नमस्ते। अगर फ्रीडम स्ट्रगल के काल में देखें तो राष्ट्रीय के ध्वज के बारे में, तो ये 1906 में पहली बार विवेकानंद जी का शिष्य सिस्टर निवेदिता ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। वो राष्ट्रीय ध्वज था नहीं था, क्योंकि INC ने नहीं किया। तो दूसरे ही साल में 1907 में मैडम कामा ने भी एक झंडा लहराया। मैडम कामा का भी झंडा इतना प्राधान्य नहीं पाई, क्योंकि वो INC ने नहीं अपनाया। मगर पिंगली वेंकैया जी जो आंग्लो अबोरो वार में पार्टिसिपेट करे और जो ब्रिटिश आर्मी में सर्व किए, उन्होंने अंतर मदन के द्वारा ही नेशनल फ्लैग बाहर आया। ये काली गांधी जी ने नारा लगाया और पिंगली वेंकैया जी ने उसको रूप कर उसका सृष्टि करके उनको दे दिया। ऐसा नहीं हुआ, जबकि काल में हम लोग खुद का कोई पॉलिटिकल पार्टी, खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे। तब WHO ह्यूम के द्वारा INC प्राप्त हुआ। तब गांधी जी आना, ये सब होना, ये फ्रीडम स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस जी हमको नारा देना कि आप तुम मुझे खून दो, मैं तुझे स्वतंत्र दिलाऊंगा। इस नारा का उन्होंने पूरा कर्तव्य निभाया, क्योंकि उन्होंने ही जब जापान के सहायता से अंडमान निकोबार में पहली बार जो INC का स्थापित पूर्ण स्वराज के द्वारा ये जो झंडा लहराया, उसी झंडा को वहाँ पे स्थापित किया, तो उन्होंने हमको स्वतंत्र दिलाया है। वो हम माने या ना माने, मगर पहली बार जो अब हम लोग मानते हैं राष्ट्रीय ध्वज, उस राष्ट्रीय ध्वज को सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान निकोबार में स्वतंत्र करा के वहाँ पे लहराया। तो हमको होम रूल मूवमेंट तक हम करा, कोई INC ने कोई राष्ट्रीय ध्वज को नहीं अपनाया। तब पिंगली वेंकैया जी तब तक 30 मॉडल्स लगातार गांधी जी को देते रहे। होम रूल मूवमेंट में ऐसा हुआ कि ये तब के काल में इतना सेंसेशन हुआ कि होम रूल मूवमेंट के द्वारा जब हम झंडा लेके जाते थे, उसमें यूनियन जैक का सिंबल भी है। यूनियन जैक इज नथिंग बट ये कुछ और नहीं, यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग, यानी ब्रिटिश फ्लैग था, उसका भी सिंबल उस होम रूल मूवमेंट में हमने उपयोग किया। इससे बहुत लोग आक्रोशित हो गए। हमारा भी एक राष्ट्रीय ध्वज होने का थॉट प्रोसेस तब जाके जागृत हुए। तब जाके गांधी जी ने फ्लैग कमेटी बनाया और इस फ्लैग कमेटी को लगातार पिंगली वेंकैया जी जो गांधी जी को साउथ अफ्रीका में आंग्लो बोरो वार के टाइम पे उनको मिला, उन्होंने सोचा कि जब साउथ अफ्रीका के लिए इतना कर रहे तो इंडिया के लिए भी गांधी जी सही व्यक्ति है, इनका ही रास्ते में चलना चाहिए। वो ना ही को तो उन्होंने लगातार 30 मॉडल्स गांधी जी को फ्लैग कमेटी में बनाया। ये बात यंग इंडिया पेपर में स्वयं खुद गांधी जी ने लिखा कि पिंगली वेंकैया जी ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो मॉडल थी हमको रिप्रेजेंट की, जो गांधी जी के मन था उसमें ही उसका पूरी सृष्टि, जो विजन थी उसी विजन के तहत पिंगली वेंकैया ने ये सृष्टि की कि राष्ट्रीय ध्वज ऐसी होनी चाहिए। तो जो चक्रा का पहले अशोक चक्र के पास पहले चक्रा थी, उस चक्रा का आइडिया गांधी जी ने थी। तो आप चेक कर सकते हैं यंग इंडिया में पिंगली वेंकैया जी के बारे में लिखा। तो हमको ये कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज ना होना, ये ब्रिटिश लोगों को हमको संस्कृति सिखाना, ये का सारी बात गलत है, क्योंकि हमारा संस्कृति कहती है कि हम हमारे आदिम काल से हमको एक ध्वज रखना और ध्वज को एक इतना रेस्पेक्ट देना कि एक अदृश्य शक्ति है जो हमको चलाती है बोल के मानकर इसको रेस्पेक्ट करना, ये हम लोग जानते थे। तो
बहुत सारे लोगों को नेशनल फ्लैग का उद्घाटन ये सब मालूम है, अगर हम उसको 2-3 लाइंस में हम लोग एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप लोगों को इस बीचों बीच कुछ नहीं मालूम है, वो ज़्यादातर लोगों को वो पिंगली वेंकैया जी के बारे में नहीं मालूम है, एक बार उसको भी हम देख लेते हैं। जो मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि पिंगली वेंकैया जी 1876 अगस्त 2 मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने 19 ईयर्स वक्त में ही वो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन हुए, तब काल में इंडियंस भी ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन होते थे, तो उन्होंने पहली बार गांधी जी को आंग्लो बोरो वार के लिए जो इन्होंने साउथ अफ्रीका गए तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी को मिले। तब पिंगली वेंकैया जी ये फ्रीडम फाइटर ही, केवल फ्रीडम फाइटर ही नहीं, वो गांधी का मालूम पड़ा हुआ व्यक्ति ही, गांधी प्रिंसिपल पर चलने वाला व्यक्ति ही नहीं, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया और इन्होंने आंग्लो बोरो वार में पार्टिसिपेट की और रिटर्न आके इन्होंने फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री भी हासिल की। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर्व करते हुए अब के काल में जैसे कोरोना थी तब के काल में मद्रास प्रेसिडेंटी में प्लेग पैंडमिक आया उसको इराडिकेट करते बहुत भारतवासियों को उन्होंने बचाया। इसके लिए इनका निकनेम थी प्लेग वेंकैया बोल के, क्योंकि इन्हों ट्रायो थे, इनको जापानीज उर्दू संस्कृत बहुत खूब तरह बात करते थे, इसीलिए इनको मछलीपट्टनम के लोग जनता उनको जापानीज वेंकैया भी बोल के पुकारते थे, क्योंकि इन्होंने प्लेग पैंडमिक के टाइम पर जनता का इतना सेवा करी तो जनता ने उनको प्लेग वॉरियर की तरह प्लेग वेंकैया बोल के भी पुकारते थे। ऐसा इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए भी ब्रिटिश का सर्व करते हुए ही देश के बारे में इतना सोचा कि उन्होंने लगातार 30 डिजाइन्स गांधी जी को दिया। जब गांधी जी का फ्लैग कमिटी बनाने का सोच आई थी तब तक होम रूल मूवमेंट में हम लोग यूनियन ऑफ जाग का ही फ्लैग को हम लेके घूमते थे। ऐसा ये अंतर्मदन जो पिंगली वेंकैया जी नज़दीक से देखे कि जो भी इंडियंस ब्रिटिश आर्मी में सर्व करते हैं वो हर बार यूनियन ऑफ जाके इंग्लैंड का फ्लैग को सैल्यूट करना, ये देखकर उन पर अंतर्मदन बहुत हुआ। इसका नेशनल फ्लैग के बारे में गांधी जी से बहुत बार खत लिखते थे और उनको डिज़ाइन भी सौंपा करते थे। इस आक्रोश होम रूल मूवमेंट के बाद इस आक्रोश जागृत हुई जनता में, तब जाके फ्लैग कमिटी बनी, क्योंकि जो INC था वो ब्रिटिश का स्थापित ही ऑर्गेनाइजेशन थी तो ऑब्वियसली वो लोग उनका फ्लैग उपयोग करने के लिए ही बोलते थे, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी का एक जेंटलमैन इट्स अ जेंटलमैन बर्डन बोल के जो सभ्यता संस्कृति हमको सिखाने वाले थे ये ब्रिटिशर्स, उसके ही नाते ही INC चलती थी। मगर जब काल बदला, जब ये होम रूल मूवमेंट जब सबके दिल में छा गई तो तब ये जागृत हुई कि हाँ हमारे लिए भी एक फ्लैग होना चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की तहत जो इस नेशनल फ्लैग को आविष्कृत किया INC ने, उन्होंने देश का इतना सेवा की, इतना वो फ्रीडम फाइटर थे, इतना आर्मी मैन थे, इतना डिसिप्लिन में रहते थे, वो गांधीयन प्रिंसिपल्स में इतना अड़े रहते थे कि इनका जब उनका जो ये सर्विस से रिटायर हो गए उनका अंतिम काल में वो इतने गरीबी झेले कि उनका अंतिम संस्कार के लिए भी कुछ पैसे नहीं रहे। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1964 में उनको कुछ सहायता दी, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं कि प्रॉमिस करते हैं और वो भूल जाते हैं, उनका गरीबी उनका उनका बेटी उनका अब जो पोती है उनको तक ये गरीबी चलती रही। 2014
15 में जगन मोहन रेड्डी जी ने उनके फैमिली को जाकर मिलके 70,000 रुपीस का सहायता की, मगर मैं जितना उनको घर में गरीबी की वजह से उनको कोई दुखद नहीं है, मगर उनका दुखद है कि सही रिकॉग्नाइजेशन पिंगली वेंकैया जी को नहीं मिला। ये हर तेलुगु पीपल को यही वादा है कि पिंगली वेंकैया जी को भारत रत्न मिले, क्योंकि वो केवल फ्रीडम फाइटर नहीं थे, केवल आर्मी में सर्व नहीं किया, केवल पैंडमिक में सर वॉरियर की तरह सर्व नहीं किया, उन्होंने उनको 3 भाषा आती है जिस पर लगातार उन्होंने काम किया। उन्होंने असली बात जो मैं कहने जा रही हूँ पिंगली वेंकैया जी के, ये एक कोई और नहीं जाता कि हम लोग यही जानते हैं कि गांधी जी ने खादी वस्त्र का इस फ्रीडम स्ट्रगल में उपयोग किया, मगर जो हम ये खादी के वस्त्र से ही हम राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करते हैं, जो उसको बुनते हैं, वो नेशनल फ्लैग के लिए जो खादी फाइनेस्ट थिन कॉटन खादी होती है उसने यही पिंगली वेंकैया जी मछलीपट्टनम के तबके काल का राजा जो मद्रास प्रेसिडेंसी में रहती थी, ये मछलीपट्टनम तब काल के राजा के द्वारा उन्होंने सहायता ली के एग्रीकल्चर रिसर्चर थे पिंगली वेंकैया जी। ये जो काटन हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के लिए उपयोग करते हैं वो फाइनेस्ट क्वालिटी काटन का वैरायटी को इन्होंने डेवलप किया। यही नहीं, उन्होंने नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश में है वो इज़ नोन फॉर माइका मिनरल, वो माइका मिनरल वहाँ पे खूब सारा है बोल के बोलने वाला, उन्होंने माइका पर भी मिनरल्स पर भी रिसर्च करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया, तब जाके मद्रास प्रेसिडेंसी में बहुत सारे कंपनीज आए। ऐसा इनका कितना कंट्रीब्यूशन है देशवासियों को के लिए देश की तरफ से, इन्होंने एक रोल नहीं है अनगिनत रोल निभाया, मगर जो प्रिंसिपल्स में अड़े रहते हैं वो गरीबी में मरते हैं, ऐसा इनके साथ भी हुआ। एक गांधीयन प्रिंसिपल में चलते चलते इनका पास दहन करने के लिए भी पैसा नहीं है, इतनी गरीबी में उन्होंने अपना देश के लिए समर्पित हुआ। ऐसे देशवासी के लिए, ऐसे उन्नत व्यक्ति के लिए भारत रत्न से कम अवार्ड नहीं होती, इसलिए आपके द्वारा मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से विनती करती हूँ, शायद आपके हाथ से उनको भारत रत्न मिलने का लिखा रहा है, आप इनको भारत रत्न से सम्मानित कीजिए और तेलुगु पीपल का जो कंट्रीब्यूशन है इस फ्रीडम स्ट्रगल में उसको रिकॉग्नाइज कीजिए और पिंगली वेंकैया जी को भारत रत्न दीजिए, यही मैं बोलना चाहती हूँ। तो ये था पिंगली वेंकैया जी का स्टोरी इस राष्ट्रीय ध्वज में।